हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना। तो आज हम गुड़ की चाय बनाने वाले हैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो गुड़ की चाय बनाने के लिए पहले हम एक कप पानी ले लेंगे। यहाँ पे हम 2 कप चाय बनाने वाले हैं। तो एक कप पानी लेने के बाद और पानी गर्म होने के बाद हम 2 टेबल स्पून यहाँ पे चाय की पत्ती डाल देंगे। और इसके बाद 1 इंच का अदरक है, इसको हमने ग्रेट करके यहाँ पर डाल देंगे। पहले से ही हम सब इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने वाले हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इलायची एक हम तोड़ के डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से चाय में आ जाए। अब चाय इसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ करीब 2 टेबल स्पून गुड़ यहाँ पे मैंने यूज किया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसको उबलने देंगे अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे करीब 2 मिनट के लिए। 1.5 से 2 मिनट इसको उबाल लीजिए क्योंकि बाद में हम इसको उबाल नहीं सकते। दूध डालने के बाद हम अगर इसको उबालेंगे तो ये फट सकता है, इसके लिए ध्यान रखिए। तो हम अभी 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पका लेंगे चाय को। इसके बाद दूध पूरा बिल्कुल गर्म है, बॉइल किया हुआ दूध हम इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखिए बॉईल किया हुआ दूध ही आपको ऐड करना है। गरम दूध ऐड कीजिए और इसको एक उबाल आने तक पकाइए। वही फ्लेम लो मीडियम पे ही रखिए, ज्यादा मत पकाइए नहीं तो गुड़ की चाय फट जाएगी। देखिए एक उबाल आने लगा है। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे ताकि हमारी चाय ना फटे। तो गुड़ की चाय बनाइए और सर्दियों में ये बहुत ही हेल्दी चाय होता है। तो आइए इसको छान लेते हैं। अगर आपको गुड़ की चाय की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।